नेक्स्ट प्लेयर पे दी है, और एक है पिल है क्या मानता नहीं, शॉर्ट मूवी है, वो हमने दी है डिज्नी हॉटस्टार पे। और आगे अपकमिंग में दो प्रोजेक्ट है जो सोच रहे हैं फिलहाल। क्वेश्चन कोई भी करे, बट आप देखिएगा सामने। ओके, इधर देखिएगा, वो हाँ उधर आप कर दिख रहा है वहाँ पे, हाँ गुलाबी में कुछ प्लान्स अभी कुछ डिसाइड नहीं किए, मगर धीरे धीरे देखेंगे। सामने बाजू में दो महारथी बैठे हुए हैं, हाँ हाँ आएंगे, किसी को लेके ही आएंगे ना, साथ में अकेले तो नहीं आ सकते। नहीं, इसमें आर्या बब्बर के थ्रू आया हूँ मैं। अच्छा। हाँ देख के बोलिए। आर्या बब्बर के थ्रू आया हूँ, आर्या बब्बर का ऑलरेडी एक प्रोडक्शन हाउस है, उसमें जॉइंट वेंचर में काम किए हमने। सुनिए सर, आज बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई है डंकी, उसके बताइए कि कैसा रिस्पॉन्स है। अभी वो तो हमने देखी भी नहीं है ना। डंकी फिल्म जो है मैं देख के आया हूँ, और ये एक मीनिंगफुल फिल्म है। मुझे लगता है कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान दोनों, राजकुमार हिरानी जो है इमोशन के राजकुमार हैं, और शाहरुख खान किंग ऑफ इमोशन है, तो किंग खान तभी उनको कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि हर उस बंदे को ये फिल्म देखनी चाहिए जो ये सोचता है कि मेरा घर जो है ख़राब है, और वहाँ दूसरा जो उस तरफ पहाड़ की तरफ कुछ है वो बहुत अच्छा है। यानी कि इंडिया में कुछ नौकरी नहीं मिल रही है तो विदेश चले जाते हैं, वहाँ कर लेते हैं, तो विदेश जाने के लिए मरते हैं, और विदेश जाने से पहले ही मर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ये NRI का सिस्टम है, चोरी चुपे जाना, उस पर उसके बेस फिल्म है ये। और मैं समझता हूँ कि ये हर उस बंदे को देखनी चाहिए जो ए फॉर अमेरिका, बी फॉर बैंकॉक, और सी फॉर कैनेडा समझता है। जबकि अब मैं उन्हें ये समझाना चाहता हूँ इस फिल्म के माध्यम से कि ए फॉर अमृतसर, बी फॉर वाघा बॉर्डर, और सी फॉर चंडीगढ़ है। आप अपने देश में रहिए, अपने देश में की मिट्टी, उसकी रोटी जो है आपको बाहर की पिज़्ज़ा बर्गर से बहुत अच्छी है, सम्मान है, इज्जत है, ये इस फिल्म का टोटलिटी में विचार है, बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि हर किसी को देखना चाहिए, साफ सुथरी फिल्म है। हाँ जी, जैसे हमने सुना है कि शशांक मूवी आपने कुछ राजपूत सिंह जी की स्टोरी, सुशांत सिंह राजपूत की, उसको देख के बनाई गई है। हाँ जी, तो उस बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? उसकी बायोग्राफी की जैसी थी, मगर बायोग्राफी नहीं है, उसकी जिंदगी को लेके हमने बनाई थी। ऐसा भी सुना कि इसको, इस मूवी को लेके आपके कुछ कोर्ट में केसेस चले थे। हुआ था, वो तो होता ही है ना, छोटे मोटे तो चलते ही रहते हैं, उसको क्या है, वो झेलना ही पड़ता है ना। जी, तो ये पूरी शशांक सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत पे ही है। नहीं, लेकिन ये फिल्म अगर बनाया, इसमें ऑलरेडी दिल्ली हाईकोर्ट पे केस चला था, उनकी फैमिली ने किया था, तो फिर हम केस जीत के आए। नहीं, उनसे हमने बात करके ऑलरेडी बनाई थी मूवी, उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। तो उसमें जैसे रिया का मर्डर हुआ है, बताया, हाँ जी वो बताया हुआ है उसमें कि ये है वो है, घटना बताई हुई है। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि भाई उसमें ये है या वो है। सब कुछ दिखाया हुआ है, आप अगर गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। MX प्लेयर पे हमने ऑलरेडी दी हुई है मूवी, फ्री चैनल है। नहीं तो इसमें आपने दिखाने की ये कोशिश की कि उसका मर्डर हुआ है कि वो मर्डर दिखाया आपने। हाँ, प्रूव कैसे प्रूव किया आपने? प्रूव तो कोई नहीं कर सकते ना, वो तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकी, हम कहाँ से करेंगे। तो फिर आपने क्यों दिखाया कि मर्डर हुआ है? मर्डर हमने कहाँ दिखाया है, वो तो हाँ जो उसकी कहानी है, वो उसके गांव से बंबई आता है। अच्छा, ये करके ये कहानी ऑलरेडी कोई बना रहा है? कौन बना रहा है? वो तो संजय करके थे, दिलीप गुलाटी शायद इसके डायरेक्टर थे, धीरज सेन उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, उसका शायद न्याय ऐसा कुछ टाइटल था। नहीं, वो सुशांत के ऊपर ही थी। हाँ, मेरी फर्स्ट आ गई, उसके बाद सेकंड किसकी आई, थर्ड? नहीं नहीं, वो पिक्चर वो है, और उसके अंदर मेरे ख्याल से वो बहुत बड़े वकील है, वो भी जॉइंट है उसमें। क्या सुशांत की न्याय ऐसा कुछ नाम था ना, सुशांत, वो भी सुशांत के ऊपर ही फिल्म थी, वो भी शायद अभी रिलीज हुई थी। कैसे बॉम्बे आए, कैसे उन्होंने करियर स्टार्ट किया, फिर कैसे चीजें हुई, चलिए तो अब हम ये खुशी की बात ये है, सबसे पहले अभी मैं ही बोल देता हूँ
कि परमार साहब जिस हिसाब से इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो हम आपसे पहले तो ये गुजारिश करेंगे कि आप सबसे पहले कंट्रोवर्सी से बचें। बराबर, आप अपने आप की एक छवि, साफ सुथरी छवि रखिए। हाँ। जो भी फिल्म बनानी हो साफ सुथरी बनाओ, जैसे राजकुमार हिरानी जी बनाते हैं। हाँ। आज तक उनकी कोई भी फिल्म ऐसे नहीं है कि जो आप कहोगे यार क्या बनाई उसने पिक्चर। उसी तरीके से आप आए, क्योंकि आपके आपके ऊपर हमारी बहुत लोगों की उम्मीदें हैं। सिर्फ आप ये नहीं कि एक शशांत पे या किस पे बना दीजिए, रुक जावे, वैसा नहीं, वैसा ना हो, क्योंकि आप इस तरीके की फिल्में बनाइए जिसमें दिलीप सेन भी आ सके, सुनील पाल साहब भी आ सके, और भी लोग आ सके। आपके पास दो स्टार साइन हो गए आज? नहीं, दो स्टार के साइन की बात नहीं है। हम जैसे जब एक नया कोई प्रोड्यूसर पैदा होता है तो उससे 1000 घर पलते हैं। और आपसे हमको यही उम्मीद है कि आगे भी जो आप प्रोडक्शन में लाएंगे, मुझे उम्मीद है कि शायद दिलीप जी, एक्टर भी है, हमारी दो फिल्में लॉकडाउन टू अनलॉक में भी कर चुके हैं। और अभी हाल ही में जो रिलीज फिल्म है गाली गलौज, उसमें भी दिलीप सिंह जी बहुत बढ़िया काम दिया, मुझे किया है, और बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं तमाम प्रोड्यूसर निवेदन करना चाहता हूं कि इनका म्यूजिक तो इनकी जान है ही, लेकिन एक इनकी जो पहचान है एज एन एक्टर, वो मैं चाहता हूं कि सामने आए। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर है। गाली गलौज फिल्म जो हमारी एसआर के म्यूजिक पर है, वो जरूर देखिएगा। नहीं, देखिए जरूर, क्योंकि मैं कुछ हिस्से देखे हैं। सुनील जी, मैं बताऊं आपको, आपने उसमें जो सच्चाई दर्शाई है एक कलाकार के प्रति, बहुत सही है। उसमें जो मेरा करेक्टर आपने लिया है, खैर मैं उस टाइप का तो हूँ नहीं, मगर वो करेक्टर कमाल था। एक मतलब एक म्यूजिक डायरेक्टर से आपने कॉमेडी नुमा एक सटायर लिया, बहुत अच्छा था। तो परमार साहब, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और हम यही चाहते हैं कि नजमा जी और वसीम जी आपके साथ जुड़े रहे, क्योंकि ये इंडिया के सबसे बेस्ट पीआर मीडिया के मतलब इज द स्टार सुपरस्टार लोग हैं दोनों। और मेरे दोनों ही बच्चे हैं, मतलब एक बिटिया है, एक बेटा है, एक भाई भी है, बिटिया है, मतलब। तो इन लोगों का जब कभी भी ऐसा, मैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देखिए इतने सारे मीडिया आए, सबसे पहले तो मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सारा अपना कीमती समय लेकर आपकी प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ाने के लिए आए। तो मैं मीडिया से भी यही कहूँगा कि भाई नए प्रोडक्शन को बढ़ावा दीजिए। कॉन्ट्रोवर्सी में अगर ये कुछ बोल भी जाते हैं तो उसको एडिट करके साफ सुथरी तरीके से दिखाया जाए, जिससे कि प्रोड्यूसर की छवि सही रहेगी तो हम लोग सब सही रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या आपका? नेक्स्ट देख रहे, दो प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ, अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया हूँ। ये भी कोई ट्रू स्टोरी हो? ट्रू नहीं, नहीं नहीं नहीं, प्यार मोहब्बत। लेकिन सुनिए सर, हाल ही में कास्टिंग वगैरह कुछ तय हुआ? कुछ हुआ तय हुआ स्टोरी वगैरह कुछ सही नहीं हुई? भाई देखो, मीडिया के लिए इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम सब तो जिंदा ही मीडिया की वजह से, खासकर ये मीडिया जो है हमारे घर का परिवार का मीडिया है, ये मीडिया है तो हमारा इंडिया है। हाँ। और ये मीडिया नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, फिर कुछ नहीं है, फिर सोशल मीडिया भी कुछ नहीं है। परमार प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च करने की वजह से बस के दुनिया जाने, ये दो फिल्में जो बनाने के बावजूद बाद में अभी नए तीसरे के लिए इन लोगों ने मतलब ये कोशिश की कि भाई सबको पता चले कि परमार प्रोडक्शन क्या है। तो पहले तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत बधाइयाँ सर आपको, परमार साहब। और वैसे तो आप भी एक्टर लगते हैं, एक्टिंग तो करनी चाहिए आपको। नहीं नहीं, उसमें क्या करे भैया, फिर दूसरे लोग क्या करेंगे? रिद्धिमा गुप्ता क्या करेगी? आप क्या करोगे अगर हम मार्केट में आ जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं, सुभाष जी वगैरह तो मार्केट में आए हर किसी को लेके आने के लिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगर हम आ जाएंगे तो फिर आपका आपकी रोजी रोटी खतरे में आ जाएगी ना? नहीं नहीं सर, हम वो नहीं चाहते हैं। रिद्धिमा जी अब आगे स्टारों के स्टार। एक्शन हाउस एकदम न्यू लॉन्चिंग है, तो हमारे इंडस्ट्री में तो देखिए बेबी स्टेप होते हैं, तो हम सबको मिलकर इन्हें सपोर्ट करना है, इन्हें डायरेक्शंस दिखानी है, ताकि सही एक अच्छी ट्रू बेस्ड स्टोरी या डॉक्यूमेंट्री या कुछ भी लेके आए मार्केट में, वो इतना मीनिंगफुल हो कि हमें भी देखने में मजा आए और काम करने भी मजा आए। तो आज का जो मेन हमने जो मीडिया इंटरव्यू रखा, वो इसीलिए रखा ताकि ये लोगों से मिल सके और लोग इनको जान सके। जब तक आपकी एक फैमिली नहीं बनेगी, आप काम कैसे करोगे मार्केट में? अच्छा, एक एक फिल्म आई सुशांत सिंह की बेस्ट फिल्म, आप कुछ कहेंगे उस बारे में? मैंने देखी है वो मूवी, मूवी बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, बट मैंने कहा ना न्यू बेबी न्यू स्टेप, तो इंसान थोड़ा थोड़ा करके फिर आगे सीखता है, फिर उसे समझ आता है कि चीजें मुझे किस दिशा में लेके जानी है। तो मैंने खुद देखी, आप सब जरूर देखिएगा मूवी एक बार, मूवी अच्छी है और एमएक्स प्लेयर पे है। थोड़ी सी सुशांत सिंह जी की स्टोरी को इन्होंने दिखाने की कोशिश की गई है, बट क्या दिखाई है उनकी जर्नी दिखाई है कि वो बॉम्बे कैसे आए थे, उन्होंने कैसे सरवाइव किया था, स्टार्टिंग में उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल कैसे हो रहे थे, फिर उनको पहला ब्रेक कैसे मिला, जो उनकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी वो उनको क्यों छोड़ के गई थी, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस थे, फिर उन्होंने पहली मूवी अपनी कैसे साइन की, उनको काम कैसे मिला,
और जब वो अपने एक हाइट पे एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे तो उनके डाउनफॉल कैसे आए, क्या क्या वजह हो सकती थी कि जिसकी वजह से उन्होंने डिप्रेशन को झेला और उसके बाद डायरेक्ट उनका सुसाइड अटेम्प्ट दिखाया गया। उसके बीच में ये जो हम कॉन्ट्रोवर्सी की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कॉन्ट्रोवर्सी जैसा कि किसने मारा, कैसे मरे या सुसाइड था, वॉट एवर जो भी स्टोरी है वो नहीं दिखाई गई। तो डायरेक्ट ही दिखाया गया है कि उन्होंने खुद को हैंग, मतलब वो हैंगिंग थे और उसके बाद कैसे चीज़ें सफर। आप राजस्थान से हैं? राजस्थान से। बहुत गुड। एक मिनट, राजस्थान में कहाँ से हैं? रानी फालना के बाजू में, डायलाना। मैं फालना। अच्छा, तो आप जरूर मारवाड़ी से। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, तो कुछ पूछो इनसे। जो एक्टर है सुशांत सिंह फिल्म में, वो एक्टर कौन है? आर्या बब्बर है। आज कितने बजे? अपर्णा मलिक है और अपना राजवीर, राजवीर है और रवि सुधा चौधरी। स्टार कास्ट में ये चार लोग हैं। मैं हमें कॉमेडी मूवी का प्लान कर रहे हैं परमार प्रोडक्शन हाउस से बहुत जल्दी, उस स्क्रिप्ट के ऊपर काम चल रहा है। तो अभी हमने इसलिए डिक्लेयर नहीं किया कि एक बार स्क्रिप्ट फाइनल हो जाए, बिकॉज आर्टिस्ट तो हमने सोचे हुए हैं, हम लोग ऑलरेडी मैं नजमा जिस चीज़ पर बैठ चुके हैं। तो एक बार स्क्रिप्ट हमारी लॉक हो जाए तो उसके बाद हम एक बहुत जल्दी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वाले हैं और उसमें हम उस मूवी का नाम रिवील करेंगे। थैंक यू। कॉमेडी बन तो सुरेश पाल जी भी रहे वहां पर। मैं तो वही हैं ना, तभी तो हम भी अभी हमने कहा ना थोड़ा टाइम दीजिए सब चीज। आ जाओ पांडे जी, तुमने तुमने देखी मूवी मेरी? हां देखा। आओ ऊपर। बहुत मुबारक हो परमार फिल्म को, कॉमेडी फिल्म बननी चाहिए, बनती रहनी चाहिए। कॉमेडियंस बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे, कलाकार मित्र हैं सब। और मैंने भी 5 फिल्में कॉमेडी बनाई है, भावना को समझो, बिग बॉस, लॉकडाउन टू अनलॉक, मनी बैक गारंटी और अभी हमारी आई गाली गलौज। तो मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज के साथ में अगर कॉमेडी फिल्म बनती है तो देखने सुनने में बड़ा मज़ा आता है। बॉम्बे टू गोवा थी ना? बॉम्बे टू गोवा भी। सॉरी सर, आप क्या कहेंगे सर, आप इधर बताएंगे आपके बारे में? बस मैं परमार जी का फ्रेंड हूँ, मेरा इंपोर्ट का काम है और थोड़ा साथ में फाइनेंस करते हैं। वेरी गुड। और नई कॉमेडी और एक्शन दोनों रहेगी जिसमें विलेन कॉमेडियन रहेगा, ऐसा कुछ हम लोग सोच रहे हैं बनाने का। अभी आगे देखो क्या है। सुशांत की फिल्म में इसमें कुछ साथ है या फिर? नहीं, उसमें मैं नहीं था साथ में, बट दोस्ती हम लोग की बहुत पुरानी है, उसमें नहीं था। कुछ नहीं, उनको इन्होंने मूवी देखी, इनको पूछ लीजिए, दोनों मूवी इन्होंने देखी हुई है। हम लोग 2-3 बार देखे घर में बैठते जब भी देख लेते, भाई अपनी पिक्चर है तो देखने में मजा आता है। हां सर, क्या कुछ है फिल्म के बारे में? फिल्म उनकी स्टोरी है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जैसे मीडिया में पहले उनके साथ घटना हुई थी ना, उतना ही दिखाया गया है कि हाँ उनको डेथ पाया गया और ये, और जो रूमर उड़े उतना रूमर बताया गया है। उसमें ऐसा नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता था अगर ऐसा दिखाया गया होता पिक्चर में। ऐसा कुछ नहीं था। प्रमोद जी, आपने कहा केस हुआ था, किस बात को लेकर केस हुआ कि ये दिखा आपने मर्डर हो गया था, क्या केस हुआ? वो तो दिल्ली से उनके घर वालों ने किया था। हाँ। मूवी पे स्टे लाया था तो दिल्ली हाईकोर्ट से मैं जीत के आया, मेरे फेवर में आया। तो ऐसा नहीं कहा था ना कि बायोपिक बना रहे हो आप? नहीं, हमने तो कहा ही नहीं ना, हम तो ये बोल ही नहीं रहे, हम तो उनकी जिंदगी के ऊपर कहानी बनाई है हमने, उसमें कोई लिखा नहीं था। हमने देख के उनको, ऐसा नहीं, उनको देख के उत्तेजित होके हमने वो बनाई है। पहली फिल्म ये सुरे क्यों चुना आपने कि कुछ और चुना के? नहीं, ये ऑलरेडी किसी का ऑलरेडी प्रोजेक्ट था, रोर प्रोडक्शन का, उनके साथ हम ज्वाइंट हुए थे और ये आगे बढ़ा। अभी आप सोलो प्रोडक्शन करेंगे आगे? अभी सोलो हुआ, आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल, आपको मुबारक हो नया साल 2024, भगवान आपके सारे सपने पूरे करे।